नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख श्री मुकेश सहनी जी का जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत आज छपरा के दिलिया रहीमपुर पुराना धर्मशाला अड्डा पर आगमन हुआ, जिसमें भारी संख्या में बिंद मल्लाह सहित समस्त निषाद जाति के लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर वीआईपी सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी ने जनता से यह निवेदन किया कि विकासशील इंसान पार्टी न केवल किसी जाति या समुदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि प्रत्येक वैसे व्यक्ति की पार्टी है जो अपने सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक विकास के लिए संघर्षरत है, जो न्याय का पक्षधर है। बिहार में वीआईपी पार्टी निषाद समाज को, अति पिछड़ा समाज को इग्नोर करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकता है। और हमारे पास एक अपना ताकत है 17-18% वोट बैंक का, जिसको बिहार में मुख्यमंत्री बनना है उसको निषाद को बेटा को, अति पिछड़ा का बेटा को डिप्टी सीएम मान के चलना पड़ेगा, तब वो मुख्यमंत्री बनेगा, वरना बिहार में कोई मुख्यमंत्री का सपना ना देखे जी। लेकिन जैसे कि आप जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में निषाद समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे निषाद के 22 पूरी है, दीन दलदार मुनिया मला सभी एक प्लेटफॉर्म पे है, एक ही छत के नीचे हैं, और सभी ने अपने आने वाले बच्चे का भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए मजबूती से सभी संगठन में काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में जिस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष करके एक मुकाम को हासिल किया, और आपने देखा कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने 75 साल से हमारे लोगों को दबा के अपने पैरों तले रखा था, उनको हजम नहीं हुआ कि एक मछली मारने वाले का बेटा, एक मल्लाह का बेटा आज बिहार प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और टिकट बांट रहे, तो वो उनको परेशानी हुआ। और उसको लेके उन्होंने देखिए कि किस तरीके से जो सरकार हमने बनाया, जो सरकार में मुख्यमंत्री हमने बनाया, शायद उस रोज अगर मैं समर्थन नहीं देता तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने ईमानदारी से काम किया और आज देखिए उन्होंने हमारे साथ किस तरीके से चल किया। इसको लेके पूरे प्रदेश में अपने लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और लड़ाई लड़ने के लिए सबको आह्वान कर रहे हैं, और मजबूती से संगठन पार्टी के साथ जुड़कर और मजबूती से ताकत दिखाएंगे आने वाले समय में। आपने देखा हाल फिलहाल में बोछा में हमने चुनाव लड़ा, एक तरफ एनडीए ने अपनी सारी शक्ति लगा दिया, 45,000 वोट लाया, लेकिन हमने अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया, और जो सीट हमने 12,000 वोट से 2020 में जीता था वही सीट को एनडीए को